करनाल की पुरानी अनाज मंडी में लाखों रुपए की नकदी और जरूरी कागजात चोरी करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। यह दोनों आरोपी करनाल के डेहा बस्ती के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों द्वारा खुलासा किया गया कि उन्होंने अलमारी का ताला खोलकर सारा कैश व कागजात चोरी कर लिए थे। इनमें से एक आरोपी पहले भी चोरी के एक मामले में जेल जा चुका है, जो अभी जमानत पर बाहर आया हुआ था। आरोपियों के कब्जे से 1,20,000 रुपए, 10 चेकबुक, 11 पासबुक और एक सूटकेस बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 13-14 अक्टूबर की रात को दो अज्ञात युवकों ने पुरानी अनाज मंडी करनाल से 2,15,000 रुपए की नकदी व कुछ जरूरी कागजात चोरी कर लिए थे। आरोपी वारदात करने के बाद फरार हो गए थे। चोरी की वारदात के बाद दुकान मालिक यतेंद्र निवासी करनाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी करने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच तफ्तीश के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पुरानी अनाज मंडी में वारदात करने वाले आरोपी रजत व शिवा करनाल एरिया में घूम रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया और आरोपियों को करनाल से धर दबोचा। वहीं आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।